पेरेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए 13 साल की बच्चे के सलवार की कटिंग कैसे होगी। ये कपड़ा मैं ले ली हूँ, ये स्कूल का ड्रेस है, इसकी कटिंग करना आपको बताऊँगी। बेल्ट मैं कमीज के कपड़े में से लगाऊँगी। ये टोटल कपड़ा कितना आपको दिखाती हूँ मैं। ये टोटल कपड़ा 2 मीटर से कम है। बेल्ट में अभी कमीज में का कटिंग करना को उसमें से अलग से लगाऊंगी, कपड़े कम है। अब इसको बिल्कुल बराबर से 13 साल के बच्ची का मैं सलवार बना रही हूँ। अब इसको पहले डबल फोल्ड में बिछा लेना है बिल्कुल सेंटर से। अब एक बार एक पूरा टोटल मैं 31 और 32 इंच का ये सलवार ये बनाऊंगी। यहाँ पे इसको पहले 2 फोल्ड में मैं बिछा ली हूँ, फिर इसको 1 फोल्ड और बिछाना है। इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, इसको यहाँ पे मैं ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई 4 फोल्ड है, बीच का पार्ट है, इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। 4.5 इंच मैं ले रही हूँ। अब इसकी कली की लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 27 इंच पे मार्कर लगा रही हूँ। और आसन इसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8.5 इंच। अब 3 इंच मोहरी के लिए ले रही हूँ नीचे के साइड। अब इसको सीधा मार्कर कर देना है। अब ये देखना आसन कितना इधर है, यहाँ पे है 8.5 इंच। अब 8.5 इंच यहाँ भी मार्क कर देना है। अब 8.5 इंच आसन के लिए मैं यहाँ पे मार्कर लगा दे रही हूँ। अब 3 इंच मोहरी के लिए लगाना है। एक बार चेक करना इधर भी 27 इंच आ रहा है कि नहीं, 27 इंच आ रहा है। अब इंची टेप लेना है और यहाँ पे और इसको दोनों को यहाँ पे मार्का सेंटर से सेंटर इसको इंची टेप रखना, बीच में एक कली को यहाँ पे मार्का कर देना है। 2 कली हो गया, 2 कली हो गया, 2 कली, 2 कली हो गया, ये 2 कली हो गया ये, और ये मोहरी हो गया, और ये मोहरी हो गया, यहाँ पे भी मोहरी अरे हो गया, और ये इतना एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से इसको कटिंग करके जाना है। अब जैसे मार्कर लगाए से इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पे इसको इस तरह जो कपड़े है, अब यहाँ पे इसको कटिंग करके निकाल देना है। ये मोहरी वोड़ी बनाने के लिए अब यहाँ पे इसको इस कटिंग कर दी हूँ। अब यहाँ पे मोहरी यहाँ पे 2 कली से जॉइंट इसको कुटका लगा देना है। एक कुटका इधर भी लगा देना है यहाँ पे भी। अब इसको यहाँ पे जॉइंट है इसको अलग कर देना कटिंग करके। अब इसकी कटिंग हो गई है सलवार की। अब 2 कली यहाँ पे इसको जॉइंट करना है यहाँ पे इसको। अब ये सिलाई यहाँ पे लगेगा, अरे यहाँ पे भी सिलाई लगेगी, इसी में है कली 2 कली यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे सिलाई करना है इसको, और 2 कली यहाँ पे है। अब इसकी सलवार की कटिंग हो गई है। बेल्ट की कटिंग करना आपको बताऊंगी। एक कमीज का कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से बेल्ट करना। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करना है, इसको कटिंग करके निकाल दे रही हूँ। अब इसको मैं डबल फोल्ड में बिछा ले रही हूँ। इसको सीधा पहले कटिंग करके निकाल देना है, जो तिरछा है इसको कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 इंच चौड़ाई में, और 8 इंच इस साइड भी चौड़ाई में ले रही हूँ। तो यहाँ पे 2.5 इंच फोल्ड में जाएगा, 1.5 इंच यहाँ पे जाएगा, ये 5 इंच का यहाँ पे तैयार होगा। अब इसकी लंबाई मैं टोटल यहाँ पे है 18
थोड़ा सा यहाँ पे मैं ज्वाइंट लगाऊंगी। अब इसको कटिंग करके निकाल, अब यहाँ पे इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब बेल्ट की कर यहाँ पे, और इसको साइड में कर देना है और गला वाला बनाने। अरे ये मैं यहाँ पे ज्वाइंट लगाऊंगी, इसको डबल में चेक करते हैं कितना है। ये आएगा 20 इंच। अब यहाँ पे इसको बराबर से करना है, और यहाँ पे इसको कटिंग करके निकाल देना है, इसको सीधा कटिंग कर लेना है। अब इसको मैं यहाँ पे ज्वाइंट लगाऊंगी। अब सलवार की कटिंग हो गई है। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। मोहरी के लिए